हेलो नमस्कार दोस्तों, ईवो केएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एससीयू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया। भारत 2023 में एससीयू की अध्यक्षता संभालेगा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यह टॉपिक पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक में हम यूपीएससी के रिगार्डिंग एससीयू में भारत के लिए क्या अभी चुनौतियां बनी हुई हैं, एससीओ की प्रासंगिकता क्या है और हाल ही में जो एससीओ समिट हुआ है इस समिट में क्या बातें निकल कर आई हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजन फाइनली हो गया है और इसमें समरकंद घोषणा पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। भारत वर्ष 2023 के लिए एससीयू की अध्यक्षता संभालेगा। इस सम्मेलन की जो मुख्य खास बातें रही इनको हम जान लेते हैं। तो समरकंद की जो घोषणा हुई इसमें बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की वकालत की गई। यानी जो एससीओ समिट हुआ 2022 इसमें यह कहा गया कि जो भी देशों के बीच विवाद हैं, खासकर अभी जो विवाद चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इसके अलावा भारत पाकिस्तान भारत चाइना जो ये देश हैं इनके बीच जो मतभेद और विवाद हैं इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए बातचीत और परामर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान जो है निकालने के लिए जो है कोशिश की जाएगी, प्रतिबद्ध होंगे कंट्री ये सब। ये समरकंद घोषणा का पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो था इसमें संप्रभुता स्वतंत्रता राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता समानता पारस्परिक लाभ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात की गई। अहस्तक्षेप की बात की गई मतलब ये जो कंट्री होंगी जो एससीओ कंट्री हैं ये एक दूसरे देश की संप्रभुता वहां की स्वतंत्रता राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता समानता और पारस्परिक लाभ और आंतरिक मामलों जैसे ये जितने मामले हैं इन पर जो है अहस्तक्षेप नहीं अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगी, इन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात जो अहस्तक्षेप की नीति है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक सतत विकास का आधार तैयार करती है। नेक्स्ट सदस्य देश आतंकवादियों अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य सिद्धांतों तथा दृष्टिकोण विकसित करने की योजना बना रहे हैं जिनकी गतिविधियां एससीओ सदस्य राज्यों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। नेक्स्ट रूस भी अपनी गैस के निर्यात के लिए अधिक ग्राहकों की तलाश कर रहा है क्योंकि पश्चिमी देश इस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो जैसा कि भी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके कारण क्या हुआ, जो पश्चिमी देश हैं अर्थात यूरोप के जो कंट्री हैं वो रशिया से जो है जो गैस की जो निर्यात करते थे अब रशिया से कम जो है जो एनर्जी है उसको लेने की बात जो है पश्चिमी देश कर रहे हैं। तो इसलिए रशिया जो है वह अधिक से अधिक ग्राहकों की तलाश कर रहा है क्योंकि अब पश्चिम देश रशिया पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। किस मामले में, गैस के निर्यात के मामले में। नेक्स्ट रूस ने सुझाव दिया कि संगठन को अपनी बड़ी एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस शिखर सम्मेलन की ये कुछ खास बातें रही। अब हम देखेंगे भारत के परिपेक्ष में एससीओ के संदर्भ में जो 2022 समिट हुई है इसमें क्या बातें निकल कर आती हैं। पहला, भारत के परिपेक्ष में जो संपर्क कनेक्टिविटी है इसके बारे में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से एक दूसरे को परागमन का पूरा अधिकार देने का आग्रह किया। अर्थात भारत ने जो शंघाई संगठन के जो सदस्य देश हैं, अभी हम शंघाई संगठन में कौन कौन से देश हैं इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, जो इसके सदस्य देश हैं वो जो है एक दूसरे के परागमन का पूरा अधिकार अर्थात वीजा फ्री की बात भारत कर रहा है क्योंकि इससे जो है संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में विश्वसनीय एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद मिलेगी। खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत ने जो अपना स्टैंड रखा कि पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। भारत ने कहा कि इस टाइम जो है पूरी दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। भारत ने बाजरा को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने की पहल पर जोर दिया।
नेक्स्ट, इस संदर्भ में भारत बाजरा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एससीओ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो भारत भी जैसे अभी बाजरा को जो है प्रमोट कर रहा है, इसलिए भारत का यह पॉइंट है कि जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वह 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने में जो है बड़ी भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट, पारंपरिक चिकित्सा पर कार्य समूह, WHO ने अप्रैल 2022 में गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र खोला और WHO द्वारा स्थापित पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह पहला और एकमात्र विश्वव्यापी केंद्र था। तो चिकित्सा के संदर्भ में भी इंडिया ने अपना स्टैंड रखा और इसने कहा कि WHO द्वारा स्थापित जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र विश्वव्यापी केंद्र कहां पर, गुजरात में खोला गया। तो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भी एससीओ में भारत ने अपना स्टैंड रखा। नेक्स्ट, पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने एससीओ में जो बात उठाई वह है कि लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत तथा एससीओ सदस्य राज्यों की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। तो भारत ने कहा कि एससीओ सदस्य राज्यों की जो पर्यटन क्षमता है, अर्थात जो ट्रैवलिंग क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। और इसके अलावा भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक व मानवीय आदान प्रदान को यह बढ़ावा देगा। अर्थात पर्यटन के क्षेत्र में जब बढ़ावा मिलेगा तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे, इसे सांस्कृतिक और मानवीय जो आदान प्रदान होता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। यह एससीओ के सदस्य देशों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है। तो पर्यटन के साथ साथ में जब सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान होगा तो यह विशेष रूप से जो मध्य एशियाई गणराज्य है, क्योंकि भारत का जो ऐतिहासिक संबंध था, आप लोग जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जो मध्य एशियाई देशों से विभिन्न शासक आए और भारत में इन्होंने शासन संभाला था। तो भारत ने कहा कि जो प्राचीन सभ्यतागत संबंध है वो जो है अधिक बढ़ेंगे, इन संबंधों को यह रेखांकित करता है पर्यटन के क्षेत्र को अगर हम बढ़ावा देंगे। तो इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढांचे के तहत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से भारत ने अपने स्टैंड रखे, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पर्यटन और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के मामले में। अब हम एससीओ के बारे में जानेंगे, एससीओ कंट्री जो है कब स्थापित हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन सी कंट्रीज, इन सब के बारे में। एससीओ जो है 2001 में इसकी स्थापना हुई और शंघाई में इसको स्थापित किया गया। शंघाई आपका चीन में पड़ता है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक एवं सैन्य संगठन है और शंघाई में जब एससीओ की स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 5 कंट्रीज थी, जिनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस थे। एससीओ का एक पूर्ववर्ती संगठन रहा और वर्तमान में उज्बेकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो संस्थापक देश थे वो टोटल 5 थे, जिनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस थे। और इसकी स्थापना चीन के जो शंघाई शहर में हुई थी 2001 में और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 3 सदस्य और बढ़ गए, जिसमें उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हो गए। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ की मेंबरशिप ली थी इन्होंने। जो इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं वह अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। तो ये 4 इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हो गए। क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, आतंकवाद, नरजातीय अलगाववाद, धार्मिक अलगाववाद, ये इस संगठन के केंद्रीय विषय रहे हैं। अर्थात इस जो यह संगठन है इसका जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, केंद्रीय विषय है, वह क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दे को लेकर होता है, जिसमें आतंकवाद, नरजाती अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद को जो है खत्म करने, समाप्त करने या फिर इसे कम करने की बात उठाई जाती है। अगर हम वैश्विक जीडीपी की बात करें तो 24% और जनसंख्या का 43% की हिस्सेदारी एससीओ कंट्री निभाती है। अर्थात एससीओ कंट्री में जो 8 सदस्य हैं, अगर उनकी हम वैश्विक जीडीपी देखें तो 24% है और जनसंख्या के मामले में 43% की हिस्सेदारी है। एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं, जिसमें इसका जो है सचिवालय जो एससीओ की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है तथा संग्रह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, विधिक
संगठनात्मक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है एससीओ का सचिवालय। सेकंड जो इसका स्थायी निकाय है वह रैट्स अर्थात क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना, जो क्षेत्रीय आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद से निपटने का कार्य करता है। तो जो राइट संस्था होगी एससीओ की काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह क्षेत्रीय आतंकवाद अलगाववाद उग्रवाद से निपटने का कार्य करती है और जो एससीओ का जो यह केंद्रीय विषय भी होता है आतंकवाद निर्जातीय अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद को खत्म करने कम करने में। और सेकेंड सचिवालय है जो इसकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। अब हम देखेंगे भारत के लिए एससीओ की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो एससीओ का वैश्विक प्रभाव, तो प्रासंगिकता में पहला पॉइंट क्या हो गया, एससीओ का वैश्विक प्रभाव है। इसमें जो चार देश हैं मुख्यतः भारत रूस चीन और पाकिस्तान, ये परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। दो सदस्य रूस और चीन यूएनएससी यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके स्थायी सदस्य हैं। तो इस तरह भारत के लिए यह काफी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि दो सदस्य देश तो रूस और चीन यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं और चार देश जो है परमाणु हथियार संपन्न देश है। नेक्स्ट जो है एससीओ को नाटो का प्रति संतुलन माना जाता है, तो इस तरह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और नाटो जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में नाटो कंट्री जो आ रही है तो उस मामले में तो यह और भी प्रासंगिक हो जाता है। नेक्स्ट क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित करने में एससीओ की काफी बड़ी भूमिका होती है, तो इस संदर्भ में भारत के लिए यह प्रासंगिक हो जाता है। नेक्स्ट अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में भागीदारी, तो जैसे भी अफगानिस्तान में यूएसए और नाटो सैन्य बलों की वापसी हुई जिसके बाद क्या हुआ एससीओ की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाएगी। अफगानिस्तान एससीओ का पर्यवेक्षक देश भी है, तो इस तरीके से यूएसए और नाटो के जब सैन्य बल अभी हाल ही में अफगानिस्तान से अपनी वापसी की है तो अब क्या होगा कि इस भूमि पर जो है एससीओ की भूमिका बढ़ जाएगी और अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में संलग्न होने के लिए भारत को एक मंच प्रदान हो जाएगा। अर्थात एससीओ के द्वारा अब भारत क्या करेगा, पाकिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएगा एससीओ के माध्यम से। तो इस तरह इस मामले में भी यह प्रासंगिक हो जाता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में देखें तो एससीओ की क्या प्रासंगिकता है भारत के मामले में, तो एससीओ के वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नए तरीके से प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो एससीओ के 8 कंट्रीज हो गए, 4 पर्यवेक्षक देश हो गए, तो ये देश जब आपस में मिलते हैं तो इन सम्मेलनों के माध्यम से क्या होता है, भारत को जो क्षेत्रीय देश हैं अर्थात ईरान अफगानिस्तान चाइना रूस, तो इन सब देशों के साथ क्या होता है बायलेटरल जो रिलेशन है इनको एक नए तरीके से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे हाल ही में भारत ने रशिया के साथ में द्विपक्षीय वार्ता की है, ईरान के साथ में द्विपक्षीय संबंधों पर बात की है, तो इससे जो होता है एक नया मंच मिल जाता है और अपनी बात को रखने का एक जो है स्टेज मिल जाता है, तो राजनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट यह मंच भारत को यूरेशियाई क्षेत्र के मामले में अधिक भागीदारी करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया में पाकिस्तान के प्रभाव को भी कम कर सकता है, तो यह भी एक पॉइंट हो जाता है, काफी प्रासंगिक हो जाता है इस मामले में क्योंकि जो मध्य एशियाई देश हैं इनसे भारत का जो है संपर्क बढ़ेगा एससीओ के स्टेट से, जिससे क्या होगा कि यह पाकिस्तान के प्रभाव को भी कम कर सकता है। अफगानिस्तान ईरान रशिया अन्य जो कंट्री हैं इनके माध्यम से बायलेटरल वार्तालाप करेगा जिससे पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने में यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आर्थिक लाभ के रूप में एससीओ की प्रासंगिकता देखें भारत के संबंध में, तो मध्य एशियाई जो क्षेत्र है यहाँ के जो संसाधन है मुख्यतः लौह अयस्क कोयला तेल गैस स्वर्ण मॉलिब्डेनम यूरेनियम या फिर जो ऊर्जा गैस है अन्य जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है इनकी दृष्टि से यह एक समृद्ध क्षेत्र है। अर्थात मध्य एशियाई क्षेत्र आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तो जो तेल गैस लौह अयस्क कोयला ये जो संसाधन है यह संसाधन से समृद्ध क्षेत्र है मध्य एशिया का, तो इसलिए एससीओ में भारत की आर्थिक कूटनीतिक रूस चाइना पाकिस्तान की अपेक्षा जो मध्य एशियाई क्षेत्र पर अधिक केंद्रित होती है। तो भारत की जो एससीओ में जो भागीदारी है वह जो देश के मामले में इतना नहीं है जितना कि मध्य एशियाई जो क्षेत्र है
उनकी तरफ इसका झुकाव होता है क्योंकि यह संसाधन संपन्न क्षेत्र है और भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है कोयला तेल गैस जो है मध्य एशियाई कंट्री से ही बड़े मामलों में निर्यात की जाती है। नेक्स्ट क्षेत्रीय संपर्क के मामले में भारत की प्रासंगिकता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है एससीओ के माध्यम से क्योंकि भारत की भागीदारी वाली लंबित ऊर्जा परियोजनाओं जैसे तापी परियोजना हो गई आपकी, नेक्स्ट आईपीआई पाइपलाइन परियोजना इंडिया पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है, नेक्स्ट सीएएसए अर्थात सेंट्रल एशिया साउथ एशिया जो आपका कॉरिडोर है, 1000 विद्युत पारेषण योजनाएं जो पाकिस्तान के कारण अवरुद्ध हैं को एससीओ के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। अर्थात मध्य एशिया देशों से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है एससीओ के माध्यम से और इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए या इस क्षेत्र के संपर्क को बढ़ाने के लिए भारत ने जो तापी आईपीआई पाइपलाइन या फिर सीएएसए कॉरिडोर की जो स्थापना की थी और ये जो योजनाएं हैं वो लंबित हैं और किसके कारण लंबित है, पाकिस्तान के अवरोध के कारण। एससीओ जो स्टेज है इसके माध्यम से पाकिस्तान के जो अवरोध है उसको कम कर सकता है, इसको समाप्त कर सकता है और एससीओ के माध्यम से इसको आवश्यक प्रोत्साहन देकर जो है अपनी क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ा सकता है भारत मध्य एशियाई क्षेत्र के संदर्भ में। तो ये तो होगी भारत की प्रासंगिकता एससीओ के संबंध में। अब हम एससीओ के संदर्भ में भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं इनके बारे में देखेंगे, जिसमें पहला हो जाता है चीन का बढ़ता प्रभुत्व। एससीओ चीन प्रभुत्व वाला एक संगठन है और अगर हम इसका एग्जाम्पल कोट करें तो भारत को छोड़ सभी जो सदस्य देश हैं बीआरआई अर्थात बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव जो चाइना की जो योजना है उसका समर्थन सभी कंट्री करते हैं भारत को छोड़कर। तो इस तरीके से जो एससीओ संगठन में चीन का जो है प्रभुत्व देखा जाता है या भारत के लिए एक चुनौती बन जाता है। नेक्स्ट रूस पाकिस्तान चीन गठबंधन। तो अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि रूस का जो झुकाव है वह चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसे रूस और चीन की बढ़ती घनिष्ठता के कारण भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एससीओ में चीन पाकिस्तान के मध्य गठजोड़ के कारण भी यह और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता को चीन ने सदैव अस्वीकृत किया है और यूएनएससी में पाक के बचाव में चीन अपने वीटो का प्रयोग करता है। तो अभी हमने जैसे बताया था कि यूएनएससी में चाइना और रूस की जो है स्थायी सदस्यता है तो इसका जो है फायदा उठाता है चीन और यह पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता है इस मामले में यह हमेशा जो है पाकिस्तान का पक्ष लेता है और अपने वीटो का प्रयोग करके पाकिस्तान को बचाव करता है। तो यह भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है आतंक, जहां भारत आतंकवाद को समाप्त करने की बात करता है वहीं चाइना आतंकवादी जो आतंकवाद को जो बढ़ावा देने वाली कंट्री है पाकिस्तान उसका जो है अपना वीटो का प्रयोग करके उसका बचाव करता है। नेक्स्ट अन्य सदस्य देशों द्वारा भी पाकिस्तान का अत्यधिक समर्थन किया जाता है। तो जो अन्य एससीओ कंट्री हैं चाहे इनमें अफगानिस्तान देख लो, अन्य जो मध्य एशियाई कंट्री हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई देती हैं। तो इससे जो है भारत के लिए जो है चुनौती बन जाती है एससीओ के संदर्भ में। नेक्स्ट मध्य एशियाई और उसके बाहर अन्य देशों के साथ संपर्क का अभाव है। मध्य एशियाई और यूरेशिया के मध्य संपर्क में एक बड़ी बाधा भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रत्यक्ष भूमि संपर्क का अभाव तथा पाक द्वारा रणनीतिक अस्वीकृत के कारण यह और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अर्थात हमने एक तरफ देखा कि मध्य एशियाई क्षेत्र जो है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कनेक्टिविटी के मामले में और दूसरा इसके जो संसाधन है उसके मामले में मध्य एशियाई क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन भारत के लिए जो है संपर्क का अभाव है मध्य एशियाई क्षेत्र में, कारण क्या है? पहला तो भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रत्यक्ष भूमि संपर्क का अभाव है और दूसरा जो पाकिस्तान होता है वह जो है रणनीतिक अस्वीकृति अर्थात यहाँ की कनेक्टिविटी भारत और मध्य एशिया के बीच जो कनेक्टिविटी के रूप में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न करता है। हमने जैसे पीछे पढ़ा था तापी परियोजना आईपीआई परियोजना ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत ने शुरू की थी और भारत पाकिस्तान जो है इसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मध्य एशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार चीन के 50 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 2 अरब डॉलर जो अत्यंत कम है। तो ये भी देखने को मिलता है कि मध्य एशिया के साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वह चीन के मामले में बहुत कम है। जहां चीन का जो है व्यापार 50 अरब डॉलर है वहीं भारत का मात्र 2 अरब डॉलर है। तो इससे देख सकते हैं चीन की जो कनेक्टिविटी है मध्य एशिया में वह भारत से जो है कई गुना अधिक है।
अब आगे की राह क्या होनी चाहिए भारत के लिए, तो पहला तो सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए, अर्थात भारत को चीन के विरुद्ध, चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध अपना स्वतंत्र पक्ष बनाए रखना चाहिए। अर्थात अगर चाइना की तरफ इन मध्य एशियाई देशों का झुकाव है तो भारत को जो है अपनी जो स्वायत्तता है, अपनी जो संप्रभुता है, उसको जो है बनाए रखना चाहिए और अपना स्वतंत्र पक्ष रखना चाहिए। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से एससीओ द्वारा एक स्पष्ट पश्चिमी विरोधी पक्ष अपनाया जाता है। हमने जैसे बताया था कि जो एससीओ है वह नाटो का एक प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जाता है, प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है, तो कहा जाता है कि भारत को इससे बचना चाहिए क्योंकि भारत के जो संबंध है वह अमेरिका या फिर अन्य जो यूरोपीय कंट्री है उनके साथ में काफी प्रगाढ़ संबंध है। अर्थात अगर भारत जो है जो एससीओ कंट्री है, जो नाटो के प्रतिसंतुलन के रूप में स्थापित है, अगर वैसा रुख अपनाएगा तो काफी जो है हानिकारक हो सकता है क्योंकि यूएसए एक ऐसा विकल्प है जिसका भारत चीन के विरुद्ध उपयोग कर सकता है। अर्थात चीन का अगर प्रभुत्व भारत पर जो बढ़ता है, अगर इसकी संप्रभुता और इसमें जो अशांति युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो अमेरिका एक ऐसा विकल्प है जो भारत का जो है साथ दे सकता है इस मामले में। इसलिए भारत को जो है एससीओ द्वारा जो स्पष्ट पश्चिमी विरोधी पक्ष है उससे जो है तटस्थ रहना चाहिए। नेक्स्ट, एससीओ में भारत के हितों को बढ़ाने के लिए भारत रूस कूटनीतिक संबंधों और जो सीएआर है, अर्थात जो मध्य एशियाई जो क्षेत्र है, के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्कों का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात एससीओ में भारत अपनी भूमिका, अपने हितों को बढ़ा सकता है। भारत रूस के साथ जो कूटनीतिक संबंध है, अर्थात भारत और रूस के प्राचीन जो संबंध है, काफी प्रगाढ़ संबंध है, इन जो कूटनीतिक संबंध है इनको जो है बढ़ावा देना चाहिए। और उसके साथ में ही जो भारत के मध्य एशिया के जो सात संपर्क हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्क हैं, इनका उपयोग हम कर सकते हैं भारत का जो है मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ाने के लिए और वहां की से कनेक्टिविटी जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के रूप में। नेक्स्ट, जो संपर्क परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना, अर्थात भारत की जो योजनाएं हैं जैसे चाबहार बंदरगाह परिचालन, आशाकाबाद समझौता में भारतीय प्रवेश को यूरेशियाई सशक्त उपस्थित दर्ज कराने के लिए प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण गलियारा है INSTC के संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात जो भारत की जो संपर्क परियोजनाएं हैं, चाबहार बंदरगाह हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा हो, इनका जो है संचालन करना चाहिए और विशेष तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये जो परियोजनाएं हैं इनको जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को रचनात्मक भागीदारी हेतु प्रेरित करना चाहिए। अर्थात पाकिस्तान को जो है आतंकवादी गतिविधियों से हटाकर रचनात्मक भागीदारी हेतु प्रेरित करना चाहिए। और नेक्स्ट हो सकता है CAR, अर्थात जो मध्य एशियाई यूरेशियाई जो क्षेत्र हैं उनमें जो है रचनात्मक भूमिका हेतु प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जो युवा हैं उनको कट्टरपंथी विचारधारा से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत। सांस्कृतिक शिक्षा और जो आपसी मेल जोल हैं इनको बढ़ाकर जो है CAR में अपनी जो है भूमिका, अपनी कनेक्टिविटी को भारत बढ़ा सकता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि भारत की चुनौतियां क्या प्रासंगिकता है और ये जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए भारत को जो है क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस तरीके से हमने SCO के बारे में लगभग कंप्लीट UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है। अगर आप UPSC या फिर अन्य किसी स्टेट PCS जैसे UPPSC, BPSC या फिर JPSC की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सिविल सर्विस से संबंधित मेंस की प्रिपरेशन भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। इसलिए इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो दी जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।